कुमकुम भाग्य टीवी इंडस्ट्री का वो धमाकेदार इमोशनल शो है जो पिछले 8 सालों से लगातार दर्शकों को देखने को मिल रहा है और इस सीरियल में काम करने वाले 8 सितारों ने अपने किरदारों से दर्शकों का दिल लूटा है। पर वही सितारे समय के साथ साथ इस शो से बाहर चले गए हैं, जिनके किरदार को दर्शक आज भी बेहद याद करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि कुमकुम भाग्य शो के वो 8 किरदार वाले सितारे कौन से हैं जो शो को छोड़कर जा चुके हैं और उनकी याद आज भी दर्शकों को खूब सताती है? तो चलिए एक एक करके जानते हैं उन 8 सितारों के बारे में जिनके किरदार को याद करके दर्शक आज भी टेसुए बहाते हैं। नंबर 1, मृणाल ठाकुर। कभी कुमकुम भाग्य शो में बुलबुल का प्यारा सा कैरेक्टर निभाती थी अभिनेत्री मृणाल ठाकुर, जो इस शो में सबकी बहुत ज्यादा प्यारी हुआ करती थी। लेकिन इन्होंने सिर्फ और सिर्फ फिल्मों में काम करने के लिए इस शो को छोड़ दिया और इसी के चलते आज मृणाल ठाकुर बॉलीवुड का जाना माना नाम बन चुकी है। नंबर 2, अर्जित तनेजा। शो में पूरब का किरदार निभाने वाले हैंडसम अभिनेता अर्जित तनेजा को कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने काफी टाइम तक दर्शकों के बीच में खूब वाहवाही बटोरी थी। लेकिन जब इन्हें लगा कि इनके कैरेक्टर में अब बिल्कुल भी दम नहीं है और दर्शक सिर्फ मेन कैरेक्टर को ही पसंद कर रहे हैं, तो इन्होंने चुपचाप इस शो से कल्टी मारना ही बेहतर समझा। नंबर 3, शिखा सिंह। जी हाँ, शो में आलिया का नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करने वाली एक्ट्रेस शिखा सिंह को उनकी मैटरनिटी लीव के बाद शो के मेकर्स ने रिप्लेस कर दिया था, जिसकी वजह से दर्शक खून के आंसू रोए थे। नंबर 4, श्रीति झा। शो की प्रज्ञा को दर्शक फिलहाल इस शो में बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, क्योंकि श्रीति झा ने 8 साल तक इस शो में नॉन स्टॉप दर्शकों को हंसाया, रुलाया और बहलाया है। मगर श्रीति झा इस सीरियल में काम करके काफी ज्यादा बोर हो गई थी और थोड़ा ब्रेक लेने के चलते इन्होंने इस शो को टाटा बाय बाय कह दिया था। नंबर 5, शब्बीर अहलूवालिया। पिछले 8 सालों से अभिषेक मेहरा बनकर अभिनेता शब्बीर अहलूवालिया ने इस शो की आन बान शान दर्शकों के बीच में बना रखी थी, पर अभी कुछ समय पहले ही ये शो से रुखसती लेकर जा चुके हैं। पर उसके पीछे की वजह इनका नया अपकमिंग टीवी शो बताया जा रहा है। नंबर 6, पूजा बनर्जी। पिछले 3 साल से रिया का किरदार निभाकर अभिनेत्री पूजा बनर्जी ने शो में दर्शकों को खूब इम्प्रेस किया था, लेकिन अपनी प्रेगनेंसी तक पूजा बनर्जी शो में नजर आई थी, पर जैसे ही इनकी डिलीवरी हुई तो इन्होंने शो को अलविदा कहकर अपने निजी जिंदगी में अपने बच्चे को संभालना बेहतर समझा। नंबर 7, जीशान खान। जी हाँ, शो में छोटा सा कैरेक्टर निभाने वाले एक्टर जीशान खान ने भी बिग बॉस OTT प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए शो को छोड़ दिया था। नंबर 8, नैना सिंह। शुरुआत में अभिनेत्री नैना सिंह ने रिया का नेगेटिव कैरेक्टर प्ले किया था, लेकिन इस शो को इन्होंने बीच में छोड़ दिया था क्योंकि ये अपने नेगेटिव शेड वाले कैरेक्टर से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। तो दोस्तों, कुमकुम भाग्य शो के किस कैरेक्टर से आपको बेहद लगाव था, आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।